मॉर्निंग फैमिली एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। तो आज है कटिहार में फर्स्ट डे, मतलब वन नाइट हमने जो है वो यहाँ पे गुजार लिया। आज फुल डे जो है वो फर्स्ट है कटिहार में बिताने वाले हैं, जिसकी ब्लॉग आपको देखने को मिलेगी। एंड मेरे ब्लॉग्स में कमेंट भी आ रहे थे कि दी आप डेली ब्लॉग अपलोड कीजिए, तो वी आर ट्राइंग, हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि डेली ब्लॉग अपलोड करें। काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है इसलिए, और मेरा ये पैशन है ब्लॉग बनाना, तो मैं किसी भी तरह टाइम निकाल ही लेती हूँ। और मुझे एडिटिंग करने में, मैं ये नहीं बोलूँगी कि अरे बाप रे मुझे बहुत काम रहता है, एडिटिंग करने में बहुत टाइम लगता है, मैं क्या करूँ, मैं बिजी हूँ, ये एक्सक्यूज़ मैं कभी नहीं बोलने वाली हूँ। क्योंकि ये काम भी मेरा है और ये काम भी मुझे ही करना है, चाहे हंस के करूँ चाहे रो के करूँ। तो मैं ये क्यों एक्सक्यूज़ बोलूँगी कि एडिटिंग करने में बहुत समय लगता है, आप लोग समझिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये मैं डेफिनेटली नहीं बोलने वाली। मेरा काम है, मैं करूँगी, और मुझे एडिटिंग करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। तो अभी ब्रेकफास्ट बन गया है, बहुत तरह का ब्रेकफास्ट बना है। पापा जो है वो भागलपुर चले गए हैं कॉपी चेक करने के लिए। वहाँ पे हम लोग रहते थे तो पापा अप डाउन करते थे, लेकिन यहाँ से भागलपुर दूर है इसलिए पापा वहीं पर होटल में रहेंगे। एंड एक सप्ताह के बाद जब कॉपी चेकिंग हो जाएगी तो पापा यहाँ पर आएंगे। तो अभी मैं दिखाती हूँ मैंने हस्बैंड जी को क्या नाश्ता में दिया है खाने को। मेरी थाली चूड़ा फ्राई प्याज डाल के एंड चनाचूर। लुक देख सकते हैं हस्बैंड जी का, हेयर इतने ज़्यादा लंबे हो गए हैं कि इन्होंने हेयर बैंड लगा रखा है। सो आई एम सो सॉरी गाइस कि ये वाली ब्लॉग जो है वो इतनी डिले होकर जा रही है, क्योंकि ये जब मैं कटिहार आई थी ना 23rd of May को, तो ये 24th of May का सीन है, ये मतलब फर्स्ट डे जब यहाँ पे मैंने बिताया था तब का ये ब्लॉग है। और ये अभी जा रही है, क्योंकि उसके बाद जो है वो वट सावित्री आ गए, ऐसे बहुत सारे ब्लॉग आ गए जो कि मुझे बीच में डालने पड़े, तो ये बहुत ही पहले का ब्लॉग है। दोस्तों सुबह के बज गए हैं 11 और मैंने उठा लिया है कैमरा, लाइन नहीं है इसलिए आप लोग को अंधेरा दिख रहा होगा। मैं फ्लैश ऑन कर देता हूँ और एक सेकेंड, यस मैंने फ्लैश ऑन कर दिया। और यहाँ देख सकते हैं गुल्लू रानी लगी है एकदम सजाने संवारने कमरे को, काफ़ी धूल हो गया था, मम्मी पापा भी गए हुए थे, है ना बेटा। और मुझे इस क्लीनिंग में बहुत सारी ऐसी चीजें मिली है जो कि मैं भूल ही गई थी कि ये सब चीजें हैं मेरे पास। तो ये भी तो अपना ही घर है ना बेटा, तो फिर मतलब मैं इतना सारा सामान था इसमें कि जो मैंने बहुत पहले लिया था काम की चीज वो मैं यूज ही नहीं करती, मतलब मुझे याद ही नहीं था कि वो है मेरे पास। तो अच्छा है ना यहाँ भी रहने, तो कि वहाँ से जब भी आए छुट्टी मनाने तो कुछ कुछ सामान तो यहाँ तो रहेगा ही, लेकिन ऐसा सामान जो कि मुझे वहाँ यूज हो सकता है, जैसे मेकअप का हो गया, ज्वेलरी हो गया, वो मैं लेके जाऊंगी। तो चलिए गुल्लू रानी को क्लीनिंग करने देते हैं, डस्टिंग क्लीनिंग जो जो भी बोलते हैं ना बेटा, खूब मन से कर रही है बीते आधे घंटे से। चलिए अब मैं भी अपने काम में लग जाता हूँ। यहाँ मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, तो ये सारे जो हैं वो सामान अब मुझे इसमें देखना है कि कौन कौन यूज़फुल है एंड कौन कौन यूजलेस है। मुझे लगता है सभी इसमें यूज़फुल ही होंगे, कोई भी यूजलेस नहीं होने वाला है। ये भी इसमें भी सब काम ही का होगा, बाकी सब मैंने इससे निकाल करके लेके गई थी। और ये सब फेस्टिवल के हैं, कुछ भी इसमें जूठा वगैरह नहीं लगा हुआ है इसलिए ये इसमें रखे हुए हैं। और भी बस न्यू है, जैसे कि ये वाली न्यू है, और भी है जो आप लोगों ने देखा था मैंने परचेज करा था वहाँ से, ये भी न्यू है लहठी, आई जस्ट लव लहठी, मुझे लहठी का कलेक्शन रखना बहुत पसंद है। तो और भी है मेरे इधर उधर है, ये सब पूजा पाठ के लिए है अभी फ़िलहाल, तो पूजा पाठ के लिए, बाद में मैं इसको डेली यूज़ पर्पज़ के लिए भी निकाल सकती हूँ क्योंकि मुझे सज धज के रहना बहुत पसंद है। तो मैंने सजा दिया है ये एक सेट और ये एक सेट, वर्ड सावित्री आने वाली है तो उसमें देखूंगी मैं कौन सा पहन सकूं। फिलहाल तो मैं दो साड़ी में कंफ्यूज हूं कि मैं दो साड़ी में कौन सी वाली पहनूं। मैं आप लोगों से भी राय लूंगी, आप लोग मुझे बताइएगा। होप सो नेक्स्ट व्लॉग में ये वाली बैंगल कितनी चमक रही है, वाओ। ये वाली जो चूड़ी का सेट है ये मेरी लास्ट वर्ड सावित्री का है ये वाला। तो ये मेरा चांदी का है सिंदूर रखने वाला, तो ये काला पड़ गया है और बहुत दिनों से मैंने इसको क्लीन भी नहीं किया है, तो मैं इसे क्लीन करूँगी। और ये जो टेक्निक है ना इसको क्लीन करने का सिल्वर को, ये मुझे ज्वेलरी शॉप वाले ने ही बताया था, तो उन्होंने बोला था कि आप कोई सा भी पेस्ट लीजिए, तो मैं यहाँ पे डाबर मिसवाक ले रही हूँ, कोई सा भी पेस्ट लीजिए और इसमें पूरे में अप्लाई कर दीजिए, देन इसको 15-20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, फिर इसको साफ़ कर दीजिए कि एकदम चकाचक हो जाएगा, तो मैं वही करने वाली हूँ। मैं यहाँ जब शावर लेके आई तो हस्बैंड जी ने देखा कि ना ही मैंने अपने आईज़ में काजल अप्लाई किया था ना ही लिप्स में लिपस्टिक, तो वो बोले कि मुझे तुम्हारे आँख पे काजल और लिप्स पे लिपस्टिक अच्छा लगता है, यहाँ पे वो खुद ही से लगा दिए, देखिए आप।
दोस्तों देखते देखते दोपहर के दो पार हो गए, यानी कि ढाई बजने वाले, तीन नहीं। और यहाँ देख सकते हैं मम्मी टिकोला यानी कि कच्चे आम का चटनी बना रही है। चलिए मम्मी से दो चार सवाल करते हैं। मम्मी हम लोग फाइनली कटिहार आ गए आपके ससुराल से, कैसा लग रहा है? इस बार गए थे तो कैसा आपको यहाँ आके कैसा लग रहा है? हम तो यहाँ पूरा कोरोना में यहीं रहे थे, हमको तो आदत हो गया यहाँ का। यहाँ का वेदर, यहाँ आपका मजा आ जाता है, लेकिन भी अच्छा ही वेदर हो गया। वेदर अच्छा हो गया था, लेकिन यहाँ से काफी गर्मी पड़ती है वहाँ। हालांकि मम्मी गई थी तो मौसम बदलते हुए गई थी, आए भी तो मौसम बदलते हुए है ना मम्मी। और घर द्वार जो वहाँ, नेहा बोल रही थी कि मम्मी आएगी तो सीधे हम किचन में काम करवाएंगे। करवाई क्या ऐसा? मम्मी को एक सेकंड किचन में काम करने नहीं दी है। थोड़ा बहुत मम्मी जबरदस्ती किचन में घुस जाती थी, लेकिन गुल्लू रानी पूरा किचन का संभाल ली, मानना पड़ेगा। मल्टी टैलेंटेड गर्ल है मेरी, है ना? कुछ ज्यादा बोल दी क्या? नहीं, सही बोल रही। तो चलिए आज खाने में क्या बन रहा है वो आप लोग को हमारे शॉर्ट्स वीडियो पे दिखेगा। तो सुनेहा शॉर्ट्स चैनल को विजिट कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ मैं शॉर्ट्स वीडियो डाल दूंगा कि खाने में। आज का जो वीडियो पता नहीं कब अपलोड होगा, लेकिन शॉर्ट्स इसके पहले भी दो और हैं पेंडिंग में। तो शॉर्ट्स चैनल को जरूर विजिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पल पल की अपडेट दिन भर में एक दो बार मैं वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। तो फिर उस दिन पूरे दिन ही मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं किया। तो ये उसके नेक्स्ट डे का है। ये वाला जो पपाया है ये नानी घर से नानी ने हम लोग को दिया था, तो यही ब्रेकफास्ट में उस दिन था हमारा पपाया। तो ब्रेकफास्ट में ये रहा टेस्टी वाला पपाया, और साथ में था एप्पल यानी फ्रूट का नाश्ता हम लोगों ने किया। देन हस्बैंड जी ने बहुत मुझे बोला कि कुच्चा वाला जो अचार होता है ना वो बनाना, तो मैं उनके लिए बना रही हूँ। फर्स्ट टाइम मुझे आता भी नहीं था ना, मैंने कभी सुना था। तो मेरे स्कूल में टीचर जो टिकोला दिए थे ना, तो ये मैं उसी का बना रही हूँ। मम्मी जो है वो मार्केट से ये वाला जो है आम का, कच्चा आम का ये पीसेस करवा के लेके आई थी इसका अचार बनाने के लिए। तो हमारे यहाँ इसका भी अचार बन रहा था, और कुच्चा वाला आम का अचार जो मैंने दिखाया वो मैं बना रही थी। और हमारे घर में शादी हुआ है, जब तक शादी का एक साल नहीं हो जाए यानी मेरे भाई का, तब तक जो है वो अचार मसाला वगैरह मम्मी नहीं दे सकती है, इसलिए मसाला वगैरह सब मैंने दिया था। और ये देख सकते एक बड़ा छोला भर के मम्मी और हस्बैंड जी दोनों गए थे सब्जी मार्केट, वहाँ से इतनी सारी सब्जी लाए, और कटहल भी लाए जो कि मेरा फेवरेट है, एंड ये कदीमा लेकर के हैं। इसका हस्बैंड जी बनाते हैं एक डिश जो कि बहुत टेस्टी लगता है अपनी मम्मी के स्टाइल में। ये पोटैटो भर के लाए हैं, एंड ये पोए लाए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। हस्बैंड जी ने ही मुझे इससे इंट्रोड्यूस करवाया, वरना मैं तो ये खाती भी नहीं थी और मुझे शायद पता भी नहीं था इसके बारे में। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया मुझे अच्छा भी लगने लगा है। और ये सब वही है, करेला है, हस्बैंड जी और पापा का फेवरेट है करेला, लहसुन है, लेमन है, नेनुआ है, ये सारी चीज़ें हैं। बरबट्टी भी थी क्योंकि डोसा बनने का भी प्लान था, तो ये सब चीज़ें थी। डोसा का भी व्लॉग आएगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे व्लॉग्स पहले के पेंडिंग है जो कि मुझे अब मौका मिल रहा है कि मैं धीरे धीरे उसको अपलोड करूं। भिंडी भी है जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। यहाँ पे मैंने सारे टिकोले को धो करके एक बांस का जो टोकरी होता है उसमें मैंने डाल दिया। अब मैं जा रही हूँ उसको धूप में, इसको दे दूँगी सूखने के लिए। और ये शायद उसके नेक्स्ट डे का वीडियो है, खिचड़ी ब्लॉग हो गया ये। तो डोसा का बैटर है ये, अरवा चावल एंड उड़द दाल दोनों को फुला करके मम्मी पीस करके ये बैटर बनाई है, जो कि कितना अच्छा फ्लफी हो गया। जितना फ्लफी होगा उतना आपका डोसा जो है वो टेस्टी बनेगा। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड अभी बज रहे हैं सुबह के 11, हम लोग लेट से ब्रेकफास्ट कर रहे हैं क्योंकि ब्रेकफास्ट कुछ ज़्यादा स्पेशल है। क्या है आप लोग को दिखाते हैं, काफ़ी दिनों से डिमांड में था। इडली है एंड बादाम की चटनी है, नींद आ रही है, चलो स्टार्ट करो। तो हम लोग खाते हैं टेस्टी वाला इडली एंड डोसा भी है, आइटम बहुत सारा आइटम वेटिंग लिस्ट में है, लेकिन खाएंगे साथ में। हवाई खाने जा रही है, देखने से काफ़ी डिलीशियस लग रहा है, स्मूथ बहुत ज़्यादा लग रहा है, एकदम स्मूथ लग रहा है। एंड ये मैं
एंड वन मोर थिंग, ये वाली जो इडली है ना, ये उड़द दाल एंड अरवा चावल की है और इसमें बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर मम्मी बैटर मिलाई थी फॉर स्पंजी, तो मुझे यही वाली पसंद है, मुझे वो सूजी और दही वाली पसंद नहीं है। तुम्हें कौन वाली पसंद है, कौन सी वाली बैटर की, उड़द दाल वाली या सूजी वाली? उतना समझ में नहीं आता खाने से मतलब। चलिए ठीक है, मैं आपको लुक दिखाती हूँ नजदीक से। और दिन भर जो है इस टिकोले में धूप लगी और वो जब ड्राई हो गई देन उसमें शाम में मैं यहाँ पे नमक डाल रही हूँ एंड हल्दी डाल रही हूँ, क्योंकि मम्मी हल्दी नमक नहीं डालेगी क्योंकि अभी तक एक साल नहीं हुआ मेरे भाई की शादी को, इसीलिए मैं यहाँ पे हल्दी नमक दे रही हूँ और इसको मैं आज ऐसे ही हल्दी नमक डाल के मिला करके रहने दूँगी। फिर मैं दो तीन दिन इससे अगले दो तीन दिन धूप में, कड़ी धूप में मैं ऐसे ही इसको फिर छोड़ दूँगी। और पूरा ध्यान देना पड़ता है कि बारिश वारिश ना हो, वरना इसमें जाएगी पानी की बूंदें तो ख़राब हो जाएगी। तो इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और चलिए आज का ब्लॉग में सिर्फ इतना ही है, आने वाले ब्लॉग्स में आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिलेंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, गुड लक।